राम राम मेरे सही भाई को सब तो आपका स्वागत है नए व्लॉग के साथ। तो दोस्तों आज हम करेंगे कैसे मसल के ऊपर वर्कआउट, जो कि बहुत मेन मसल है लोअर बॉडी में, जिससे आपकी पूरी पर्सनैलिटी देखी जाती है। उस मसल का वर्कआउट मैं आज आपको बताऊंगा। उस मसल का नाम है ग्लूट्स। इस ग्लूट्स में आप तीन मसल आते हैं, ग्लूट मैक्सिमस, ग्लूट मीडियस एंड ग्लूट मिनिमस। ये तीन मसल है ग्लूट्स के ऊपर। मैं आपको ये वर्कआउट दिखाऊंगा और तीनों मसल के ये नाम है, ठीक है ना। जैसे आप देखते होंगे लोअर पहनते हैं, जो कि जॉगर वगैरह पहनते हैं बच्चे, बहुत फिटिंग में नहीं आते, पीछे से लटके रहते हैं। भाई जब तक ग्लूट्स आपके अच्छे नहीं होंगे, जब तक आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं दिखाई देगी, आप मेरी देख रहे हो बाकी आप, ठीक है ना। इस तरीके से आपको मैं तीन वर्कआउट बताऊंगा, बेस्ट वर्कआउट बताऊंगा ग्लूट्स तीनों मसल के ऊपर, ग्लूट्स मीडियस, ग्लूट मैक्सिमस एंड ग्लूट मिनियस, ठीक है ना। तीनों मसल के ऊपर बताऊंगा आपको वर्कआउट। अभी चलते हैं, वर्कआउट दिखाता हूँ आपको, सेट भी बताऊंगा, पोस्चर बताऊंगा, तीनों चीज बताऊंगा। सबसे मेन मसल है, अच्छा है, इसको ऐड करना अपने वर्कआउट में, आपकी पर्सनैलिटी और अच्छी होएगी। आपकी पैंट वगैरह जो भी जींस पहनते हो, लोअर पहनते हो, जोगर पहनते हो, बहुत अच्छे लगेंगे आपके ऊपर। इनके ऊपर आप थोड़ा सा काम करो, अच्छा है, ठीक है। अभी दिखाते हैं आपको वर्कआउट। तो दोस्तों ग्लूट्स के लिए मैं पहली एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ, केबल क्रॉप क्रॉस हर मशीन में होगी और रोप भी हर मशीन में होगी। नीचे करके आपको ये केबल नीचे लगती तरफ लगानी है, ठीक है ना। स्टेपर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी चलेगा, यहाँ पे रखाते इस वजह से मैं इसे यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज कर ली है। आपको पोस्चर बता देता हूँ, ठीक है ना। नॉर्मल जैसे स्क्वाट्स करते हो आप, इस तरीके से आपको उस पर खड़ा होना है या धरती पे खड़ा होना है, ठीक है ना। ऐसे खड़ा होके ये रोप पकड़नी है, पहले तो ऐसे खड़ा होना है, ठीक है ना। ये खड़े होके हल्के से हिप्स पीछे जाना है, ये जैसे स्क्वाट्स करते हो आप, स्क्वाट्स करते हो ना, ये पकड़ना है इसको रोप को, हल्के से हिप पीछे जाएगा तभी हिप्स पे आएगा। ये जैसे आ रखा है, इसको हल्का सा आगे ट्विस्ट करना, ये वन खींचे से लेग्स आपने देख लो बिल्कुल स्टेबल है, ना दाएं ना बाएं, बिल्कुल स्टेबल है। सामने रखिए, फुट एकदम मेरे सीधे हैं और बैक हमेशा सीधी रहेगी, लोअर बैक अंदर रहेगी, चेस्ट अप रहेगी, ना हाथ बाहर रहेंगे ना अंदर, बिल्कुल बॉडी से चिपके रहेंगे आपके हाथ, ठीक है ना। दोबारा आपको पीछे की तरफ जाना है, ऐसे बैठना है और ये वन, वापस गए टू। जितना हल्के से नीचे बैठना पड़ेगा, ना ज्यादा नीचे बैठना ना ज्यादा ऊपर, इतना बैठना है जितना आपके ग्लूट्स पर प्रेशर आए और आप ऐसे खींच सको, ये ठीक है ना। तो मैं आपको 5-6 रैप मार के दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, ठीक है ना। ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है ना। ये हमारी पहली एक्सरसाइज थी ग्लूट्स की, हल्का सा ट्विस्ट करके हिप्स को पीछे करके नीचे जाना है और रोप को आगे खींचना है, बैक को स्टेबल रखना है, ठीक है ना। अच्छा वर्कआउट है, अच्छा प्रेशर आएगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये हमारा पहला वर्कआउट था ग्लूट्स का। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं सेकेंड वर्कआउट ग्लूट्स। तो दोस्तों हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है, जब कोई स्टेपर होगा या अपना स्टूल वगैरह होता है, टेबल होता है, कोई भी आपको चीज़ पकड़नी है। तो मेरे को तो यही सही दिखा, यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे लाइटिंग भी अच्छी आ रही थी, तो इसलिए अच्छा शूट हो जाएगा, अच्छे से आप लोगों को दिख जाएगा ये वीडियो, ठीक है ना। तो सेकेंड एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये यहाँ पे पैर रखना आपको पीछे वाला, इधर उधर करते होंगे बच्चे इस एक्सरसाइज को, हल्का सा ये आगे रहेगा, इसमें आपको थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे की तरह करके ये आपके इस ग्लूट्स पे प्रेशर आएगा, ये ठीक है ना, हल्का सा नीचे गए, ये ए ये एक बार करके देखना, मेरे पास तो प्रेशर आ रहा है, आपको भी ज़रूर आएगा। तो ये एक्सरसाइज हमारी सेकंड है, पहले राइट से उसके बाद लेफ्ट से 10-10 रैप करने हैं, 15-15 रैप करने हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इस पोस्चर में ये आपको ट्रेन करने हैं अपने ग्लूट्स, ठीक है ना। ये और राइट से भी दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से करना है। ये इस तरीके से आपको पीछे वाला पैर रखना है, राइट वाला और लेफ्ट वाला आगे, और ये ट्रेंड करना है। ये अब ये ट्रेंड हो रहा है हमारा रूट्स। ये इसमें आप वेट भी लेके ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें 3-4 सेट ले सकते हो आराम से रूट्स के लिए, और रेपिटेशन आपकी
एक पैर से 10-10 भी ले सकते हो, 15-15 भी ले सकते हो, ठीक है ना। 10-10 भी बहुत है, 12 भी बहुत है, 15 भी बहुत है, ये आपके ऊपर है आप कितने रेप ले सकते हो। ये हमारी सेकेंड एक्सरसाइज थी। इसके बाद मैं आपको थर्ड एक्सरसाइज बताऊंगा ग्लूट्स की, और ये अच्छी एक्सरसाइज है, फॉलो करो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ग्लूट्स अच्छे होंगे तभी आपकी अच्छी पर्सनैलिटी बनेगी, ठीक है ना। जब तक पर्सनैलिटी आपकी अच्छी नहीं देखेंगे तो बॉडी का भी कोई फायदा नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ग्लूट्स आपकी बॉडी में अच्छी योग्यता निभाते हैं, इसलिए ग्लूट्स पर फोकस करना है, ठीक है ना। उसी हिसाब से आपकी बॉडी ग्रो होगी और लेग्स भी दिखेंगे अच्छे, और जो भी आप पहनोगे वो भी अच्छा दिखेगा। तो अभी आपको थर्ड एक्सरसाइज दिखा देता हूँ ग्लूट्स की। हमारी थर्ड एक्सरसाइज है ये दोस्तों, हमारी थर्ड एक्सरसाइज है ग्लूट्स के लिए। इस पर आपको फ्लोर पे परफॉर्म करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है ना। तो आपको जिम में मैट वगैरह होगा, घर पे भी मैट होगा, तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। पहले आपको ऐसे लेटना है मैट पर, ठीक है ना। मैट पे लेटकर आपके जो लेग्स है एकदम बिल्कुल सेम फुट रहेंगे और नीज ऊपर रहेंगे आपको एकदम स्ट्रेट लेट के। ये इस तरीके से आपके हैंड एकदम स्ट्रेट रहेंगे, और यहाँ से मतलब लेग्स के ऊपर से यहाँ पे आपको हिप को ऊपर की तरफ ट्विस्ट करना है। इसी पे आपके ग्लूट्स पे परफॉर्म आएगा और अच्छा मसल ग्रो होएगा। ये इस तरीके से आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। देखो ये हमारे ग्लूट्स एकदम ट्विस्ट हो चुके हैं, वापस नीचे गए और दोबारा बल, ये ये आपके पूरे ग्लूट्स पर प्रेशर आएगा। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 से 4 सेट लेने हैं, और रेपिटेशन रहेगी आपकी 10 से 12 या 15 रेपिटेशन रहेगी, और 3 से 4 सेट लेने हैं। ये मैंने आपको 3 एक्सरसाइज बताई थी ग्लूट्स की, एक ग्लूट्स मैक्सिमस, ग्लूट मीडियस एंड ग्लूट्स मिनियस। ये 3 एक्सरसाइज बताई मैंने तीनों मसल के लिए। इस एक्सरसाइज को करोगे तो अच्छे आपके ग्लूट्स ग्रो होंगे और अच्छी पर्सनैलिटी आएगी आपकी। जितनी अच्छी पर्सनैलिटी होगी भाई उतने अच्छे आपके कपड़े दिखेंगे। जब तक आपके बॉडी पे कपड़े अच्छे नहीं दिख रहे तो आपकी बॉडी का कोई फायदा नहीं है। तो जो भी फिटिंग का आप पहनोगे वो अच्छा दिखेगा। जब तक आपके ग्लूट्स अच्छे नहीं होंगे तो नहीं दिखेगा, अच्छे होंगे तो अच्छा दिखेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये एक्सरसाइज मैंने आपको 3 बताई है। अच्छे से देखना वीडियो को, लास्ट तक देखना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, थोड़ा सा सपोर्ट करो, और अच्छी वीडियो बनाएंगे। जितना आता है सीखा है थोड़ा बहुत, जितना मैं आपको सिखाता हूँ बताता हूँ जो भी है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सपोर्ट करो भाई को, और वीडियो आप तक देखना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है ना। एक्सरसाइज अच्छी लगी हो तो, और ना भी लगी हो तो तब भी थोड़ी बहुत देख लेना और थोड़ा सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।